अगर आप ITI स्टूडेंट हैं और आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम है, नाम पिता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आपने परीक्षा दिया था और उसके बाद भी आपकी मार्कशीट में आपको एब्सेंट शो कर रहा है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए इस बार एक सुविधा दी गई है NCVT की तरफ से, उसकी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। यहाँ पर क्लासेस मिलती हैं, अपडेट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की अपडेट मिलती है, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.globalitii.org। मैं इसको बार बार कहता हूँ कि चैनल की तरह वेबसाइट को भेजिए। आप जब भी आप क्रोम में ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वेबसाइट पर जो भी डेटा अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। उसके अलावा आप हमेशा रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहेंगे तो वेबसाइट भी बहुत काम की है आपकी। यहाँ पर आपको कोर्स के अंदर PDF मिलते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सरकारी नौकरी का टैब बना है, जो भी वैकेंसी आती है ITI के लिए। ये वेबसाइट पूरी तरह से ITI स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है और ओनली ITI स्टूडेंट्स के लिए है। आपको जाना है फिलहाल अभी नई अपडेट पर, उसमें नवीनतम खबर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पेज खुलेगा, नीचे आएगा NCVT मार्कशीट करेक्शन बिग अपडेट, यहाँ नीचे है रीड मोर, आपको रीड मोर पर क्लिक करना है। जब रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा और ये पेज इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको देखिए बताया गया है कि ITI स्टूडेंट्स जो है मार्कशीट की गड़बड़ी को खुद सही कर सकते हैं, नाम पिता का नाम, फोटोग्राफ, जन्म तिथि गलत है तो उसको सही कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो करेक्शन है, करने से पहले आप अपने कॉलेज से सहमति एक बार जरूर लीजिए, और मैं तो कहूँगा कि कॉलेज की हेल्प से ही ये काम आप करिए, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो हो सकता है आप और भी ज़्यादा मिस्टेक कर लें, और इसमें साफ साफ बोला गया है कि इसके बाद आप संशोधन यानी करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी अगर आपके कॉलेज तक नहीं है तो आप वहाँ जाकर इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, जिससे वो आपकी मदद कर सकेंगे। और अपने से करने पर पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी और रिस्क हो जाएगा। इसीलिए ऐसे जो भी टिपिकल वर्क होते हैं या जिनमें लगता है कि यार हमारा भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। जो भी डेटा है आप संशोधन करेंगे, NCVT MIS की वेबसाइट पर जाएंगे, न्यूज अपडेट के सेक्शन में मैं आपको दिखा दूंगा अभी ओपन करके। वहां पर एक मैनुअल दिया हुआ है, ठीक है? उस मैनुअल में सारी डिटेल दी है कैसे कैसे करना है। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, दो प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। एक तो अपने प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं, प्रोफाइल मतलब नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें। और दूसरा ऑप्शन होगा रिजल्ट का, तो रिजल्ट का जो होगा उसमें आप अपने नंबर वगैरह से रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करेंगे तो आपकी जो मार्कशीट है वो 30 से 45 दिनों के लिए होल्ड पर हो जाएगी, और 30 से 45 दिन के बाद दोबारा एक संशोधित मार्कशीट जारी की जाएगी। उसके अलावा नीचे एक लिंक दिया गया है वीडियो का, इसमें प्रोसेस भी बताया गया है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है? इससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया भी लग जाएगा। और NCVT की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं NCVT के, अगर आपको नहीं पता है तो। उसके अलावा आप ग्लोबल ITI एक ऐप भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप NCVT की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको आना है यहाँ राइट साइड में न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ग्रेवेंसेज यूजर मैनुअल फॉर ट्रेनीज, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, और इस PDF के साथ आप अपने कॉलेज पर चले जाइए और कह दीजिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कि सर ये अपडेट आई हुई है, इसके अकॉर्डिंग सर कनेक्शन या संशोधन हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए, और इसको जो भी है मतलब प्रोसेस वो जरूर करेंगे और आपका जो भी संशोधन है वो हो जाएगा। और फिलहाल ये किन बच्चों के लिए है, तो उन बच्चों के लिए है जिनके रिजल्ट जारी हुए हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें मार्कशीट वेरिफिकेशन का जो कॉलम है वहीं से ये ऑप्शन ओपन होगा। आपको जाना होगा ट्रेनिंग मार्कशीट वेरिफिकेशन में, और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी एंटर करने के बाद एग्जाम में एनुअल सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल के बाद आप ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, जब रिजल्ट शो करेगा तो नीचे दो ऑप्शन आएगा, एक एग्री का और एक ग्रेवेंसेज का। आपका रिजल्ट एकदम 100% आप सेटिस्फाई हैं कि रिजल्ट सही है तो आप एग्री कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम है, करेक्शन करना है तो ग्रीवेंसेज में जा सकते हैं, जिसका प्रोसेस इस वेबसाइट पर दिया गया है, यहाँ पर इस वीडियो में भी दिया गया है। तो जाइए, इस चीज़ को आप कीजिए, और जिनको नहीं पता है उनको भी बताइए, क्योंकि अब करेक्शन को लेकर बहुत से बच्चे पिछले कई सालों से परेशान थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में एक वार्निंग दूंगा कि बिना कॉलेज से परमिशन या उनके सहमति के मत कीजिएगा, उनके साथ कीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी भविष्य में। थैंक यू।